देवरिया। 20वें दिन भी वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी। जिलाधिकारी और कृषि मंत्री के खिलाफ वकीलों ने जमकर लगाए नारे। जिलाधिकारी को हटाने की लगातार कर रहे हैं मांग। वकीलों ने मेन रोड कचहरी चौराहे को किया जाम। घंटों लगा रहा जाम। जनपद में है धारा 144 लागू। जाम के चलते सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। मैं सिंहासन गिरी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया 19 तारीख को उनके चैम्बर में गए थे एक अधिवक्ता के कार्य को लेकर। उसी पर उन्होंने मेरे साथ और मेरे प्रतिनिधिमंडल के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के अधिवक्तागण आहत हैं और उनके यहाँ से स्थानांतरण के लिए 19 तारीख से अनवरत हम लोग ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी कल आए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का पहल नहीं किया गया और न ही यह कहा गया कि हम जा करके मुख्यमंत्री से बात करके हम आपको आश्वस्त करते हैं या इसका स्थानांतरण कराते हैं। उन्होंने कोई पहल नहीं की। आज अधिवक्ता आंदोलित है कि जब तक जिलाधिकारी का यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक हम धरने पर रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अहंकार में पाले हुए हम लोग से वार्ता करने के लिए भी सहमत नहीं है कि हम अपनी पीड़ा को उनसे कह सकें, जो प्रदेश का मुखिया है हमारी पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं है तो हम किससे कहेंगे। इसके सिवा यह कहीं विकल्प बनता है जो हम धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को जनता के बीच में और प्रदेश सरकार को भी बताने का काम करेंगे कि जब तक जिलाधिकारी का आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस भ्रष्ट और बेईमान जिलाधिकारी का किस वजह से आप इस जिले में रखना चाहते हैं, जो जिले के सारे विकास के पैसे को लूटने का काम करता है और कोई न्याय नहीं करता। बात कार्यों के मुकदमे दो दो महीनों से आदेश सामने रखे हुए हैं, किसी का निस्तारण नहीं करता है। जनता दर्शन में एक भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करता है। जनपद वासी उसका जो है आज पीड़ित अवस्था में है, उसके किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आखिर किस लालच में इस जिलाधिकारी को इस जनपद में आपने रखा है। हम लोग आह्वान करते हैं, हम अनुनय विनय किए माननीय मुख्यमंत्री जी से, यही गोरखपुर में आए थे लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। तो ये बताइए ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अधिवक्ता बंधुओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम आहत और मर्माहत है। उनके द्वारा ये जिलाधिकारी जो भेजा गया है वो हमें अपमानित करने का काम किया है और यदि अपमानित करने का काम किया है तो मेरे पीड़ा को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और यदि वो नहीं समझने का काम करते हैं तो यह अनवरत जो है हमारा हड़ताल चलेगा जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होगा।